Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सकेगी। वक्फ एक्ट में संशोधन, संसद में बवाल, लोकसभा से सरकार को चेतावनी, सपा सांसद ने भरी हुंकार, सड़कों पर उतरने की दे डाली धमकी। लोकसभा में बीते गुरुवार को वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए चर्चा हुई। इस चर्चा ने चंद मिनटों में ही बहस का रूप ले लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बिना किसी संकोच के इस एक्ट में संशोधन का विरोध शुरू कर दिया। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बैनर्जी समेत कई विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। लेकिन लोकसभा में बवाल जो मचा वो रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह के भाषण पर मचा। सपा सांसद ने लोकसभा के पटल से केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली। वक्त वक्त पर संविधान की दुहाई देने वाले सांसद ने संसद से भड़काऊ भाषण दे डाला। संविधान को हम अपने पैरों तले रोंद रहे हैं। सांसद महोदय ने अपने भाषण में कहा, दुनिया का सबसे पहला वक्त मक्का में है, इसका खामियाजा हम सदियों तक भुगतते रहेंगे। दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खामियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पामाली कर रहे हैं। कुरान में क्या लिखा है वो आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा, अगर ये हुआ तो कोई भी माइनॉरिटी हिंदुस्तान में सेफ महसूस नहीं करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जनता फिर सड़कों पर उतर आए। सर, इसके जरिए से सरकारी अमले को बाजाबता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर, उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे। और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर, ओके।